गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आइए अब हम यहां से रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हम यहां पर सीखने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है। जैसा कि देखिए, हम यहां पर इसे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो जैसे यहां पर प्रश्न क्या कह रहा है, बोला है क्या कि निम्न अंश को पढ़े और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे। देखिए क्या कह रहा है कि विनय, विनोद, विकास, वसु, वैभव, वरुण और विशाल एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ऐसा बोला। तो यहां पर बोल रहा है क्या कि एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो अब इसे हम क्या करेंगे कि केंद्र की ओर हम इसे डालेंगे। एक सबसे पहले वृत्त बनाइएगा। तो देखिए, यह ऐसे हम एक वृत्त, एक सर्किल बना दिए। अब इसमें कितना व्यक्ति है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 व्यक्ति है। तो 7 व्यक्ति है तो आपको पहले 7 स्थान बना लेना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, और यहां लिखा है एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो इसे हम ऐसे चेहरा कर देंगे, एक वृत्त में ऐसे बैठा देंगे। अब आते हैं दूसरा स्टेप को, पढ़ रहे हैं क्या लिखा है। वसु विकास के दाएं से तीसरा है, ठीक है। मतलब वसु जो है विकास के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, क्लियर है। तो इसे हम यहां पर सेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक तीसरा पॉइंट को जरा सा पढ़ते हैं। क्या लिखा कि वरुण विनय के बाएं से दूसरा और विशाल के दाएं से दूसरा है, ये कह रहा है। तो वरुण विनय के बाएं से दूसरे, तो वरुण विनय के, ध्यान देंगे, इसे हम रफ में कुछ काम कर लेते हैं, रफ में काम करिएगा ना, तो बहुत ही आसान हो जाता है इस प्रश्न को बनाना। तो क्या लिखा, वरुण विनय के बाएं से दूसरा है, तो विनय के बाएं से, तो विनय के बाएं से पहला दूसरा पे कौन है, बाएं साइड इधर आएगा, पहला दूसरा पर वरुण है, कौन है। इसे हम रफ में काम कर रहे हैं, उसके बाद हम इसे एकदम सिस्टमेटिक रूप से हम यहां पर सेट करते चलेंगे। फिर क्या कहा, दूसरा है और विशाल के दाएं से दूसरा है। तो देखिए यहां और का प्रयोग है, तो और का प्रयोग जो होता है ना, हमेशा पड़ोसी के बगल वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो यहां से विशाल के दाएं से दूसरा है, तो विशाल के दाएं से दूसरा पे कौन होगा, तो यह वरुण हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो वरुण हो जाएगा। तो विशाल के दाएं से दूसरा पर वरुण को रखना है, तो अगर हम विशाल को यहां रखेंगे तो इसके दाएं पहला, तो दूसरा स्थान पर ऐसे वरुण आ जाएगा, ये क्लियर है आपका। अब देखिए, अब हम इसमें सेट करने का प्रयास करते हैं। अब क्या हुआ कि विनय के बाएं पहला दूसरा पर वरुण आना है और विशाल के दाएं पहले दूसरा पर भी वरुण को ही आना है। इसका मतलब क्या साबित हो रहा है कि हम अगर विशाल को यहां पर रखते हैं ऐसे, तो विशाल के राइट साइड यानी कि दाहिने साइड इधर जाएगा, और पहला दूसरा बोला है तो इस विशाल से पहला स्थान यह हुआ, तो दूसरा वो स्थान पर यहां पर ऐसे तो वरुण हो जाएगा इस तरह से। अब वरुण के दाएं पहला दूसरा पे कौन चाहिए, तो विनय चाहिए। तो वरुण जब यहां है तो इसके दाएं हम इधर चलेंगे,
तब बोलिए पहला दूसरा पर यहां पर विनय का स्थान पक्का हो रहा है, ये बिल्कुल राइट है, सही है। अब हम जो यह छोड़े हुए थे, ये सेकेंड लाइन जो लिखा था क्या कि वसु विकास के दाएं से तीसरा है, ये बोल रहा है। अब हम इसे रखने का प्रयास करते हैं, ध्यान देंगे क्या लिखा है। वसु विनय के दाएं से तीसरा है, मतलब क्या, विनय के दाएं से तीसरे स्थान पर वसु को लाना है। तो ध्यान देंगे, वसु जो है विकास के दाएं, किसके दाएं, विकास के दाएं। तो अब जगह खाली कितना है, तो एक दो तीन और चार जगह खाली है, तो इस चारों में से कहीं एक जगह तो अवश्य आएगा, कौन, तो यह विकास, क्यों, क्योंकि विकास के दाएं से ही तीसरा वसु को लाना है। तो अगर हम विकास को यहां रख देंगे तो क्या विकास के दाहिने साइड में पहला दूसरा और तीसरा के लिए तो कोई जगह ही नहीं बच रहा है, इसलिए यहां पर विकास नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा, विकास नहीं आएगा, जो नहीं आएगा इसे हम काट देंगे ऐसे। अगर हम विकास को यहां रखते हैं तो विकास के दाएं पहला दूसरा तीसरा पर तो वसु आ जा रहा है, यह सही है, इसका मतलब विकास यहां सेट कर रहा है। अब हम विकास को यहां भी रखने का प्रयास करेंगे, विकास को अगर हम यहां रखते हैं तो इसके दाएं पहला दूसरा तीसरा पर वसु यहां भी सेट हो रहा है, मतलब क्या, विकास यहां भी आ रहा है और विकास आपका यहां भी आ रहा है। अब एक जगह और हम देख लेते हैं चेक करके, अगर हम विकास को यहां रखें तो इसके दाएं पहला दूसरा तीसरा पर तो वसु नहीं आ रहा है, तो अब साबित क्या हुआ कि विकास जी यहां पर भी नहीं आएंगे। तो जहां पर नहीं आएंगे यहां पर हम ऐसे क्रॉस लगा देंगे, काट देंगे। अब विकास को मुझे यहां और यहां रखना है, दोनों जगह सेट हो रहा है। अब इस दोनों जगह में से कहीं एक जगह अवश्य सेट होगा, ठीक है। अब आते हैं, देखिएगा, अब हम इसे सेट करते हैं। मान लीजिए विकास यहां आएगा तो इसके दाएं पहला दूसरा तीसरा पर वसु आ जाएगा, विकास यहां रखिएगा तो पहला दूसरा तीसरा पर वसु यहां भी आ रहा है, एकदम क्लियर है। अब देखिए, अब तो यह कंफर्म नहीं है कि दोनों में से वह कहां आएगा, यह क्लियर नहीं है, तो हम आगे अगला स्टेप पढ़ेंगे। जब क्लियर न हो तो आप अगला कदम पर ध्यान देंगे, अगला स्टेप पढ़िएगा, आइएगा। चौथा स्टेप क्या कह रहा है, वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है, ठीक है, और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ध्यान देंगे यहां बात पकड़ा रहा है, और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखिए, अब यहां पर वरुण है तो यहां और का प्रयोग है, तो और का प्रयोग हमेशा पड़ोसी के बगल वाले के लिए, मतलब क्या, वैभव के लिए प्रयोग होगा, तो वरुण का प्रयोग किससे होगा, वैभव से संबंध बनेगा। तो क्या लिखा, और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो वरुण का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं होगा, तो वैभव नहीं होगा, कौन नहीं होगा, तो वैभव नहीं होगा, किसका निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, तो इस वरुण का निकट में कौन नहीं आएंगे, तो यह वैभव नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वरुण यहां है तो वैभव ना आपका यहां पर आएंगे और ना वैभव आपका यहां पर आएंगे, ठीक है। तो जब वैभव यहां नहीं आएंगे तो यहां पर हम रख कर ऐसे काट सकते हैं, और वैभव यहां नहीं आएंगे तो वैभव को रख कर हम यहां पर ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसे हम कैसे सेटिंग करते हैं, जरा सा ध्यान देंगे आप। जैसे हम ये लिखा था कि वसु जो है विकास के दाएं से तीसरा है, तो मान लीजिए कि हम विकास को यहां रख लिए, तो विकास के दाएं से पहला दूसरा तीसरा पर तो वसु आ जाएगा, ये ठीक है।
वसु अगर यहां आएगा तो फिर यहां पर क्या लिखा, वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है, तो वैभव जो है विनोद के दाएं से तीसरा है, तो विनोद के लिए एक स्थान यहां बच रहा है और एक स्थान यहां बच रहा है। तो अब हम अगर यहां पर अगर रखते हैं विनोद को, तो इसके दाएं तीसरा बोला है, यहां पर कैमा बोला है तीसरा, तो अगर हम यहां पर विनोद को रख देंगे तो पहला दूसरा तीसरा पर वैभव आ रहा है, जो कि वैभव को यहां नहीं आना है क्योंकि वरुण का पड़ोसी हो जा रहा है। इसीलिए अब यहां पर क्या होगा कि वैभव नहीं आएंगे, तो बोलिए विनोद भी अब यहां नहीं आएंगे। तो यह साबित क्या हुआ, तो अब अगर यहां पर भी आप यहां पर भी चेक कर सकते हैं किसको, तो विनोद के दाएं तीसरा वैभव, तो विनोद को आप यहां भी रखिएगा तो इसके दाएं पहला दूसरा तीसरा पर तो वैभव नहीं आ रहे हैं ये। तो अब साबित क्या हुआ, ये जो दूसरा पॉइंट था कि वसु जो है वसु विकास के दाएं से तीसरा आना था, तो अब यहां पर विकास नहीं आएंगे, तो विकास का रास्ता क्लियर हो गया। तो विकास यहां पर आएंगे कहां पर, तो इस जगह पर आपका विकास आ जाएंगे। तो देखिए अब सेट हो चुका है आपका, जब विकास यहां आ गए तो वसु जो है वसु विकास के दाएं से तीसरा आना है, तो विकास अगर यहां है तो इसके दाएं पहला दूसरा तीसरा पर तो आप वसु को यहां पर ऐसे बैठा दीजिएगा, बिल्कुल सही है, ये सेट हो गया। अब उसके बाद ये वाला हम लाइन देखते हैं कि वैभव जो है वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है, तो अब विनोद के लिए एक स्थान यह बचा और एक स्थान यह बचा, तो अब इसका मतलब क्या, या तो विनोद यहां आएगा चाहे विनोद आपका यहां पर आएगा। अगर विनोद यहां रखिएगा तो विनोद के दाएं आपको तीसरा चलना है तीसरा, और वैभव को रखना है तो विनोद के दाएं पहला दूसरा तीसरा के लिए कोई यहां जगह नहीं है, इसीलिए विनोद का भी रास्ता क्लियर हो गया। तो विनोद को हम यहां रखेंगे तो इसके दाएं पहला दूसरा तीसरा पर आपका कौन आ जाएगा, तो वैभव आ गया। देखिए अब पूरा आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब जितना भी लोग को यहां पर बैठाना था वो यहां पर पूरा सात का सात यहां व्यक्ति यहां बैठ चुका है, ये आपका तैयार है प्रश्न। अब इसके बाद क्या होता है कि प्रश्न इसके नीचे दिया हुआ रहता है जो आपके सामने है, 6, 7 और 8 नंबर प्रश्न। अब इसे हम देखते हैं कौन सा प्रश्न किसका आंसर दे रहा है। बोला कि विकास के तुरंत दाएं कौन है, तो देखिए यहां विकास यहां है, तो विकास के राइट साइड मतलब दाएं साइड नीचे आएगा, तो विकास के जस्ट दाहिने कौन है, तो वैभव है। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, सी नंबर में, तो सी आ गया। अब 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, विनोद के दाएं से दूसरा कौन है, तो विनोद के दाएं से, तो विनोद यहां है तो इसके दाएं से पहला दूसरा पे कौन है, तो विकास जी है, तो विकास ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में आ गया, यह भी क्लियर है। फिर उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 में क्या बोल रहा है कि वरुण के बाएं से लेफ्ट से तीसरा बोला है, तो वरुण यहां है तो इसका लेफ्ट कहां जाएगा, राइट ऊपर होगा तो लेफ्ट नीचे तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा पर कौन है, तो वैभव, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ए नंबर में। तो इस प्रश्न को हम इसी तरह से सोल्यूशन करते हैं क्योंकि इसके नीचे 3 प्रश्न दिया हुआ है, तो इसीलिए इस प्रश्न को बहुत ही सावधानी से सीखिएगा, और अगर ये सीख लीजिएगा तो एग्जाम में आपका एक ही बार में 3 प्रश्न आप सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम फिर और विभिन्न तरह का प्रश्न आपके बीच में हम लेके आएंगे, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।